महिंद्रा एंड महिंद्रा अब आपके लिए लेके आई है कार लीजिंग फैसिलिटी, और इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि क्या है ये ऑफर और किस तरह से ये आपके लिए बेनिफिशियल होने वाली है। सो लेट्स गेट इनटू इट। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सबका स्वागत है अपनी इनक्रेडिबल चैनल में इनक्रेडिबल इन्फोस के साथ। मेरा नाम है जय दवे और आप देख रहे हैं इनक्रेडिबल ऑटोज टीवी। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, इस स्कीम के अंदर कौन कौन से मॉडल्स महिंद्रा हमारे लिए ऑफर कर रही है इसके बारे में जानते हैं, और इसके लिए आपको जान के खुशी होगी कि KUV 100NXT से लेके महिंद्रा की फ्लैगशिप XUV 500 तक की सारी रेंज आपके लिए इस स्कीम के अंदर महिंद्रा ऑफर करने वाली है। सो आपकी रिक्वायरमेंट और आपके बजट के हिसाब से आप इनमें से कोई भी कार जो है वो सिलेक्ट कर सकते हैं, और इसी लिस्ट में बिल्कुल नई मिराजो भी शामिल है। और सभी कार्स की मॉडल वाइज प्राइसिंग जो है वो मंथली बेसिस पे रखी जाएगी, जो अभी आपकी स्क्रीन पे अवेलेबल है। आप इस चीज का स्क्रीनशॉट जो है वो ले सकते हैं। ये प्लान्स 10,000 किलोमीटर्स अ ईयर से स्टार्ट होते हैं, और यहाँ पे एडिशनल किलोमीटर्स के लिए बहुत ही नॉमिनल अमाउंट जो है वो यहाँ पे कंपनी चार्ज करने वाली है। इससे ज्यादा इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट इस स्कीम का ये है कि यहाँ पे कार का कंप्लीट मेंटेनेंस इस प्लान में शामिल हो जाता है, और कंप्लीट मेंटेनेंस के अंदर सिर्फ और सिर्फ कार की सर्विस एंड रिपेयर से नहीं, यहाँ पे इंश्योरेंस भी इंक्लूड हो जाता है। ये कॉन्सेप्ट हमारे इंडियन मार्केट में अभी इनिशियल स्टेज पे है, लेकिन फॉरेन कंट्रीज के अंदर बहुत सारी जगहों पे ये चीज जो है, ये कॉन्सेप्ट जो है वो ऑलरेडी बहुत सक्सेसफुली रन कर रहा है, और बहुत सारे कस्टमर्स इस कॉन्सेप्ट का बेनिफिट ले रहे हैं। और ऐसे ही कुछ इंटरनेशनल ब्रांड्स यानी कि ऑरिक्स एंड ALD ऑटोमोटिव जैसी ब्रांड के साथ महिंद्रा ने पार्टनरशिप करके ये जो कॉन्सेप्ट है इसको इंडिया में लेके आई है। ये स्कीम में अप टू 5 years के डिफरेंट लीजिंग प्लान्स अवेलेबल है, जिसका कस्टमर अपने रिक्वायरमेंट और अपने सिलेक्टेड ड्यूरेशंस के मुताबिक बेनिफिट ले सकते हैं। अगर आपको ये मंथली अमाउंट थोड़ा ज्यादा लगता है तो अब थोड़ा गौर से सुनिएगा, और जो भी पॉइंट्स मैं आपको बता रहा हूँ वो पॉइंट्स नोट कर लीजिएगा। हालांकि यहाँ पे मैं अभी आपकी स्क्रीन पे सारे पॉइंट्स जो है वो दे रहा हूँ, लेकिन अगर आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। सो पॉइंट नंबर 1, यहाँ पे आपको निल या तो नॉमिनल डाउन पेमेंट से कार लीज पे ले सकते हैं, जो अगेन एक बहुत ही अच्छी बात है। आपका इनिशियल अमाउंट जो है वो डाउन पेमेंट के अंदर ब्लॉक नहीं होने वाला है। कार यूज करते हुए पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी कार के मेंटेनेंस की लीजिंग प्लान में इंक्लूड हो जाएगी, और इसमें बहुत सारे फैक्टर्स शामिल है जैसे कि सर्विस कॉस्ट, इंश्योरेंस कॉस्ट, एक्सीडेंटल रिपेयर्स, और सबसे इंपॉर्टेंट इंश्योरेंस क्लेम के शॉर्टफॉल्स भी इस प्लान में शामिल है। इंश्योरेंस क्लेम्स में शॉर्टफॉल यानी कि क्या, अगर आपकी कार में कोई परेशानी हुई है, कोई क्लेम करने के लिए आपने रखी है, और अगर एस्टीमेट आया है 1 lakh rupees का और 80,000 rupees जो है वो इंश्योरेंस ने पास कर दिया है, तो बाकी के जो 20,000 rupees हुए उसको शॉर्टफॉल कहते हैं। क्लेम में शॉर्टफॉल होते रहते। इसके अलावा एक प्लान्ड एक्सपेंडिचर कह सकते हैं, अगर आप एक कार को 3 साल यूज करते हो तो आपको XYZ अमाउंट से ज्यादा नहीं लगेगा, वो भी पूरे 3 साल के लिए। सो जो भी लोग कॉर्पोरेट या तो SMEs में है, उनके लिए ये एक बहुत ही अच्छी चीज है। मान लो कि अगर आप कोई प्रॉपर्टी लीज पे ले रहे हो तो आपके लिए कंप्लीट एक्सपेंडिचर होगा कि पर मंथ का जो रेंट है उनको मल्टीप्लाई बाय 12 करेंगे तो इतनी अमाउंट आएगी, उसको मल्टीप्लाई बाय 3 करेंगे तो इतनी अमाउंट आएगी, तो टोटल 3 years में आपका टोटल अमाउंट जो है वो सिर्फ और सिर्फ रेंटल में जाएगा। तो आपके पास ऑलरेडी पहले से ही आपका जो एक्सपेंडिचर है वो प्लान रहने वाला है। इसके अलावा आपके कोई भी एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस इसके लिए नहीं लगने वाले हैं। सो ये एक बहुत ही अच्छी बात है। हालांकि यहाँ पे प्रॉपर्टीज में एक और चीज रहती है, जिसमें इलेक्ट्रिसिटी बिल्स है, फिर मेंटेनेंस है, ये सारी चीजें इस प्लान में शामिल नहीं होती है, लेकिन यहाँ पे कोई भी एक्स्ट्रा एडेड जो एक्सपेंसेस है वो शामिल नहीं होने वाला है। ये एक अच्छी बात कही जा सकती है। एडिशनली सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट तो ये है कि रीसेल की झंझट से पूरी तरह से मुक्ति, और अपग्रेड अगर आपको कार करनी है तो आपके लिए मोस्ट वेलकम रहने वाला है महिंद्रा की तरफ से। कोई भी कार, फॉर एग्जांपल अगर आपने अभी के लिए KUV 100NXT ली है इस प्लान के दौरान, और इसके बाद इस प्लान के जो ड्यूरेशन है उसके दौरान या तो उसके खत्म हो जाने के बाद अगर आप अपग्रेड करना चाहते हैं तो
आपके पास ऑप्शन होगा TUV में जाने का, या तो XUV में जाने का, या तो जो भी कार मिराजो में जाने का। सो ये एक बहुत अच्छी बात है, क्योंकि आपके पास ये एक अपग्रेड ऑप्शन जो है वो बचता है। और तब तक आपने ऑलरेडी इस जो पूरी स्कीम है उसका एक्सपीरियंस भी कर लिया होगा, तो आपको डूज एंड डॉन्स, प्लस एंड माइनस, प्रोज एंड कॉन्स सारी चीजें ऑलरेडी मालूम ही रहने वाली है। सो आपके पास ये एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन कहा जा सकता है। और कार ओनरशिप में अगर बात करें तो ओनरशिप में आपकी एक बहुत ही बड़ी अमाउंट जो है वो ब्लॉक हो जाती है। सो यहाँ पे ये ब्लॉक होने पे भी आपको मुक्ति मिलने वाली है। आपकी एक बड़ी अमाउंट आपके पास लिक्विड कैपिटल की तरह भी रह सकती है, और जिसको आप अपने बिजनेस में या तो कोई भी चीजों में इन्वेस्ट करके रिटर्न पा सकते हैं। उसी रिटर्न से आप एक कार का मंथली रेंटल जो है वो पे कर सकते हैं। और तो और मेजर सिटीज के कस्टमर्स को शेड्यूल्ड मेंटेनेंस के लिए पिकअप एंड ड्रॉप फैसिलिटी भी मिलेगी, और इस मेंटेनेंस ड्यूरेशन के लिए आपको एक रिप्लेसमेंट व्हीकल भी प्रोवाइड किया जाएगा। लेकिन फिलहाल के लिए ये सिर्फ और सिर्फ बड़े सिटीज में और मेट्रो सिटीज में ही अवेलेबल है। उनमें से भी कुछ ही मेट्रो सिटीज ऐसे हैं जिनको इस चीज का बेनिफिट अभी तक मिल पाया है। 24/7 ब्रेकडाउन असिस्टेंस जैसे बहुत सारे दूसरे बेनिफिट्स भी इस ऑफर में शामिल है। अब क्वेश्चन ये आता है कि क्या आपको इतने सारे बेनिफिट्स के बावजूद इस ऑफर में जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। इसके लिए फिलहाल सिर्फ वर्किंग प्रोफेशंस और स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्रेन्योर्स के लिए ही एलिजिबल किया गया है, और वो भी अहमदाबाद, पुणे, मुंबई, हैदराबाद और दिल्ली जैसे बड़े सिटीज के लिए। लेकिन महिंद्रा अपनी पूरी तैयारी में है कि और भी 19 मेजर सिटीज ऑफ इंडिया को ऐड कर दे इसी ऑफर्स के लिस्ट में, जिनमें दूसरे सिटीज में भी इस तरह की ऑफर का बेनिफिट जो है वो कस्टमर्स ले पाए। ऐसे में जब भी आपके सिटी में ये स्कीम स्टार्ट हो तब आपको इसका बेनिफिट लेना हो तो दो चीजें आपको माइंड में रखनी पड़ेगी, और वो दो चीजें अब ध्यान से सुनिएगा और समझिएगा। आप जो पे कर रहे हैं उसमें आपको जो मिल रहा है वो क्या आपके लिए वर्थ है या नहीं है, ये चीज आपको सबसे पहले जाननी होगी। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको XYZ कार के लिए XYZ अमाउंट स्पेंड करनी पड़ रही है पर मंथ के बेसिस के ऊपर, तो वो पर्टिकुलर मंथ में आप वो अमाउंट स्पेंड करने के लिए वर्थ यूजेज कर रहे हो कार का या नहीं कर रहे हो, ये सबसे बड़ा क्वेश्चन है आपको अपने आप से पूछना है। उसी के बाद आपको आगे बढ़ना है। फॉर एग्जाम्पल, मैं अगर मेरी पर्सनल बात करूं तो मैं अगर मेरे सिटी में ये ऑफर अवेलेबल होती तो भी मैं इस ऑफर का बेनिफिट नहीं लेता, क्योंकि मेरा इतना ज्यादा यूजेज ही नहीं है। तो ऐसे में मुझे एक ऐसा ऑप्शन चाहिए जो एक पर्टिकुलर अमाउंट ब्लॉक भले हो, लेकिन उसके लिए मुझे मंथली एक्सपेंडिचर के लिए एक्सपेंस ना करना पड़े। हालांकि वो EMI में हो सकता है, लेकिन फिर भी मुझे EMI ज्यादा कंफर्टेबल लगता है, क्योंकि मेरा यूजेज जो है वो बहुत ही कम है, और मुझे मालूम है कि एक पर्टिकुलर ड्यूरेशन के बाद अगर सारे EMI कंप्लीट हो जाते हैं तो वो कार पर्टिकुलर मेरी ऑनरशिप की कार रहने वाली है। अब ये आपके ऊपर है कि आपको किस तरह से कन्वीनियंट रहता है, किस तरह से कंफर्टेबल रहता है। लेकिन अगर आपका मंथली यूजेज अराउंड 2500 टू 3000 किलोमीटर या तो उससे भी ज्यादा है, तो शायद आपके लिए ये जो ऑफर है वो एक आइडियल ऑफर हो सकती है। और इस स्कीम के रिलेटेड ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो अभी भी अनआंसर्ड है, और इन अनआंसर्ड क्वेश्चंस से मेरा मतलब ये है कि पर्सन टू पर्सन, हेड टू हेड ये जो क्वेश्चंस हैं वो डिफर करते रहते हैं। मेरे लिए कुछ और क्वेश्चंस रहने वाले हैं, आपके लिए कुछ और क्वेश्चंस रहने वाले हैं। इसके लिए आपके पास सिर्फ और सिर्फ एक ही आइडियल सॉल्यूशन है, और वो है कि आपको, और आप अगर इस एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में फिट हो रहे हैं तो आपको अपने आप ये सारे क्वेश्चंस यहाँ पे पूछने पड़ेंगे। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे बड़ी चीज, बहुत ही ध्यान से और केयरफुली सारी टर्म्स एंड कंडीशन जिस पे हमें इस रेंटल प्लान के अंदर एग्री होना पड़ता है, वो सारी टर्म्स एंड कंडीशंस बहुत सोच समझ के और केयरफुली साइन करें, क्योंकि हो सकता है कि कोई टर्म्स ऐसी हो जो आपके लिए कंफर्टेबल ना भी हो। सो इन टर्म्स को सबसे पहले नोट आउट करें, और उसके बाद ही अपना जो फाइनल डिसीजन है वो लीजिए। और इस स्कीम या तो ऑफर के रिलेटेड अगर आपके माइंड में कोई भी क्वेश्चंस या तो डाउट्स हैं तो प्लीज नीचे कमेंट सेक्शन में मेंशन कर दीजिए, मैं ट्राई करूंगा कि आपको एक्यूरेटली आंसर दे पाऊं। ऑलराइट, सो ये वीडियो अगर आपको थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो, इन्फॉर्मेटिव लगा हो, तो प्लीज इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करना मत भूलिएगा। इसी के साथ अगर आप फर्स्ट टाइम इस चैनल को विजिट कर रहे हैं तो प्लीज सब्सक्राइब बटन प्रेस करके बेल आइकॉन को भी प्रेस कर दीजिए,
और ऐसे ही इंफॉर्मेटिव एंड इंटरेस्टिंग नए नए अपलोड्स के साथ ऑलवेज अपडेटेड रहिए। सो आज के लिए इस वीडियो में बस इतना ही, लेकिन बहुत ही जल्द ऐसे किसी इनक्रेडिबल इन्फोज के साथ अपनी इस इनक्रेडिबल चैनल में मैं जय दवे आपके सामने वापस हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए चूज वाइज, ड्राइव सेफ और लिव इन क्रेडिबल, राइट? थैंक यू।